नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC ने 23 जनवरी को मुल्क में होने वाले बिजली ब्रेकडाउन के मामले पर अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। NTDC की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ, जिस वजह से 500 KV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रिपिंग की वजह से NTDC और K-Electric का सिस्टम बैठ गया, जिससे 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। NTDC की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी फॉल्ट गड्डो ट्रांसमिशन लाइनों में आया। ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ थी, जो अचानक बढ़कर 57 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गई। फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुआ। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि तरबेला, मंगला और वारसिक में मुत्तहिद बार ट्रिपिंग हुई। तरबेला, मंगला और वारसिक से बिजली बहाली का अमल फौरी शुरू किया गया और शाम 5 बजे बिजली के लिए मंगला का सिस्टम स्क्रूटनाइज किया गया।